हेलो दोस्तों, आज मेरे एक न्यू वीडियो में आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम जो होगा, 14 नवंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग निगेटिव के लेके हम बात करने वाले हैं, और आपको टुक्का लगाना है तो कैसे टुक्का लगाना है, टुक्का लगाने से आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल जो बात करेंगे सब ऑफिशियली बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे किस सब्जेक्ट में आपको टुक्का लगाना है, किस सब्जेक्ट में आपको टुक्का नहीं लगाना है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो जो कंप्यूटर पर टेस्ट होगा इसका सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हो और आपने सिलेबस पहले से ही देख रखा होगा। पर हम जो बात करेंगे निगेटिव मार्किंग के लेकर हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो आपको दो सेशन रहेंगे, सेशन वन और सेशन टू आपको मिलेगा, जो कि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको सेशन दो मिलेगा। अब देखोगे जो आपको हर एक सेशन जो होगा वो आपको 45 मिनट के रहेगा, और 60 मिनट जो मिलेगा डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए आपको मिलेगा 60 मिनट। उसके बाद देखोगे सेशन टू के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी टोटल देखोगे आप जो एग्ज़ाम दोगे 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आप यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ देखो, जो कि आपको जो सेशन वन में आपको दो सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। आप देखोगे जो कि हर एक क्वेश्चन आपको देखोगे 20 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स के रहेंगे, आप देख सकते हो। इसके बाद सेशन टू में देखोगे जनरल अवेयरनेस जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे हर एक क्वेश्चन, यानी 75 मिनट, ऑलरेडी आपको ये पता होगा, जो कि हम यहाँ पर ओवरव्यू देख लिया। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ देखोगे टुक्का मारने वाले सवाल जो है यहाँ से अब स्टार्ट होता है। कुछ टुक्का जो आपको मारना है, तो टुक्का जो आपको मारना है सेशन वन में आपको मारना है। सेशन वन में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यानी आप देखोगे यहाँ पर लिखा है 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 40 क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन, यानी आप देखोगे यहाँ पर देखोगे 120 मार्क्स के होंगे। तो 40 क्वेश्चन आपको सारा अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी निगेट देखेंगे इसमें ऑफिशियल जो नोटिस है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सेशन वन में सिर्फ निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सेशन टू में आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग में भी आपको टुक्का लगाना है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन हमने पहले पर देख लिया कि 45 मिनट आपको मिलेगा टाइमिंग। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप यहां से देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है देयर विल नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन वन। आप यहां देख सकते हो देयर विल नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन वन, यानी सेशन वन आप यहां देखोगे जो सेशन वन यहां पर लिखा हुआ है सेशन वन, यानी कि जो आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन रहेगा, यानी जो मैथ के क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकली एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन क्यों आप छोड़ोगे, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। आप देख सकते हो तभी आप दोस्तों एग्जाम के क्रैक करने की ओर ज़्यादा रहोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन अटेंड करना है, इसमें कोई आपको यहाँ पर क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, यानी अगर जो नहीं आ रहा है उसको भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, टिक मार के ही आना है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर देखोगे जो निगेटिव मार्किंग है आपका, पर आप देखोगे यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इन सेशन टू देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। आप देख सकते हो यानी निगेटिव मार्किंग जो स्टार्ट हो रहा आपका यहाँ से हो रहा, सेशन टू से आपका स्टार्ट हो रहा है निगेटिव मार्किंग, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन जो मारना है यहाँ पर देखोगे, जो टुक्का मारना है आपको यहाँ पर देखोगे, जो कि आपको 1/3 के निगेटिव मार्किंग है, यानी हर एक क्वेश्चन आप देखोगे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, आपको निगेटिव मार्किंग 1 क्वेश्चन कटेंगे 1 मार्क्स से आप रॉन्ग होने से। आप यहाँ देखोगे 1/3 के निगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन से अगर आप 50-60% भी दोस्तों आप श्योर हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, तो आप ज़रूर दोस्तों टिक्का मारना, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन किया, जैसे अगर आपने 2 क्वेश्चन पे टुक्का लगाया है, जो कि 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपका सही हो गया है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपने टुक्का लगाया अगर ना भी करोगे तो आपका मार्क्स उसका मिलने वाला नहीं है, अगर आपने टुक्का भी लगा दिया तो एक क्वेश्चन आपका जो गलत हो जाएगा उसका एक नंबर आपका कटेगा जो सही हुआ है। यानी कि आप देखोगे टुक्का दो लगाया जिसमें आपको 3 मार्क्स मिल गए हैं ऑलरेडी 1 क्वेश्चन से, और जो सेकेंड क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसमें आपका जो टुक्का लगाया है उसमें 1 मार्क्स कटेगा जो सही वाले से। यानी आपको देखोगे टुक्का लगाने से भी आपको 2 मार्क्स मिल गए हैं, तो आप देख लोगे अगर आप क्वेश्चन से 50-60% श्योर हो कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो आपको टुक्का लगा लेना है। आप देख सकते हो और जो सेशन वन है इसमें तो आपको छोड़ना ही नहीं है,
क्वेश्चन सारा अटेंड करना है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन भी था कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्रूफ के साथ दिखा दिया कि निगेटिव मार्किंग है, जो सेशन टू के लिए सिर्फ है। सेशन वन में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सेशन वन में आपको जो स्टार्ट होगा सबसे पहले 45 मिनट के बाद आपका सेशन वन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका सेशन टू स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 45 मिनट स्टार्ट होने के, यहाँ देखो 45 मिनट होने के बाद आपका सेशन वन आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सेशन टू आपका स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो का लाइक और शेयर कर, और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।